हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो बस अभी कटरा में हम लोग हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो रेडी हो गए हैं सब लोग, जो है तैयार हो गए हैं, सबके साथ निकल रहे हैं। लेट हो गया है, रात की ट्रेन भी काफ़ी लेट से आई, यहाँ पहुँचने में 4 बज के बस 1 घंटा रेस्ट करके नहा धो के सब लोग निकल रहे हैं। देखिए तो चलिए, वहाँ का कितना थोड़ा बहुत होगा बंद कर, फिलहाल तो माता रानी का दर्शन करते हैं। जय माता। होटल से निकल चुके थे और ऊपर से, मतलब हम लोग का 3rd फ्लोर पे था, वहाँ से नीचे आ गए। तो वैसे भी हम लोग का 1 दिन का होटल का वेस्ट गया था, क्योंकि ट्रेन पूरे 1 दिन यानी 12 घंटे पूरे, 1 दिन नहीं आधे दिन लेट हो गई थी। तो माता रानी का दर्शन भी आधा दिन लेट ही हो गया था। तो हम लोग सुबह 3 बजे भोर में कटरा पहुँचे थे अपने होटल, जो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। फिर वहाँ से बस 1 घंटा आराम करने के बाद हम लोग 5 बजे निकल गए थे। 5 बजे उठे थे, 1 घंटे में नहा धो के 6 बजे निकले थे। 6 बजे ही देखिए वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूप ही लग नहीं रहा है, पहाड़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, बस ऊँची पहाड़ी पर जाने पर थोड़ा। तो बस होटल के रिसेप्शन पर जो भी काम था वो कर रहे थे, कार्ड आद ले रहे थे, क्योंकि 2 दिन की बुकिंग थी। तो फिर हमको वापस आना था, सारा सामान हम लोगों ने वहीं कैम कमरे में ही छोड़ दिया था। बस थोड़ा बहुत जो जे पानी आद का बोतल था और जो ज़रूरी चीज़ें थी जो रास्ते में लगेंगी, वो हमने कुछ खाने पीने का सामान बस रख लिया था, क्योंकि बच्चे थे साथ में तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ लेके चलें। तो होटल की गाड़ी जो है वो हम लोगों को जहाँ से पैदल चढ़ाई करनी है वहाँ तक छोड़ दी छोड़ने वाली थी। तो वो सबसे पहले ले आई जहाँ पे आई कार्ड बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आई कार्ड बनवाया था। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, 5-6 लाइन थी, धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर 1/2 घंटा लगा था, कार्ड बन गया था। फिर हम लोगों को गाड़ी लेके जो है चली थी वहाँ पे जहाँ से पैदल कर चढ़ाई करते हैं, 3 किलोमीटर पहुँचा देती थी। और ये देखिए रास्ते का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर था। और ये था कि दिन में चढ़ाई थी लेकिन धूप बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर छत्र जाल दिया गया है। तो इधर से हम लोग पहाड़ी 25 सालों से मैं सोच रही थी दर्शन करने जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो जब तक माता रानी बुलाएंगी तभी आप जाएंगे, हम जाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने सोचा था पैदल ही यात्रा करेंगे, तो बस हम लोग पैदल यात्रा करते जा रहे थे। बीच बीच में सबको काफ़ी प्यास लग रही थी, तो सब लोग पानी भी पीते जा रहे थे, जगह जगह रुक के जो है कुछ जो है चाय काफ़ी था वो भी पीते जा रहे थे। तो बस इस तरह जूस पीने के लिए बैठे थे, क्योंकि बच्चों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी। तो हुआ था कि उनको पैदल चलना है, तो बस सब लोगों ने डंडा लिया था, बिना डंडे के तो वहाँ चलना मुश्किल है। इसलिए अगर अब आप जाते हैं तो ज़रूर ले लें, नहीं चलते काफ़ी सारी हैं जो आप कर सकते हैं। तो हम लोगों को नहीं पता था, तो बस हम लोग जो अब यहाँ से फिर जूस आद पी के सब लोग निकलने वाले थे। वीडियो भी मैं बहुत कम बना रही थी, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने गई थी। तो रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि घोड़े पालकी आज जो चलते हैं उनसे बहुत डर लगता है। तो बस फिर थोड़ा बहुत क्लिप मैंने बनाया था और बच्चों ने थोड़ी बहुत बना ली थी। बच्चों के लिए भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था थी, लेके गए थे वो जो है पहले पीठ पे लेके जाते थे, लेकिन अभी जो है उसको हाथ से रगड़ाते हुए लेके बैठा के जो बच्चों वाला होता है ले जा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में जो है पैसे की बात है, तो अपने हिसाब से जैसा पैसा हो। मेरा अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो ना ही जाना उचित है, क्योंकि चढ़ाई भी लंबी है और लाइन में लगना भी लंबी है। और इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, हर प्रदेश से लोग वहाँ, पूरे देश से 200 से लोग आते हैं यहाँ पे, तो बैठने वाला होती है। तो बस हम लोग चलते जा रहे थे, रास्ते में बातें याद, माता रानी की जयकारा लगाते हुए सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। बीच बीच में दृश्य काफ़ी अच्छा था। 1 घंटे बाद हम लोग थोड़ा बैठ जाते थे, सब लोग लगभग जितनी भी भीड़ थी बैठ जाती थी, रेस्ट करते थे, फिर चलते थे, रेस्ट करते थे। तो इस तरह करते हुए पूरे 6 घंटे हम लोगों को लग गया था पैदल जाने में। और ये पहाड़ी देखिए माता रानी के अब आएंगी, अब आएंगे, लगता ही नहीं था कि आ ही रहे, इतनी दूर माता रानी बैठी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल लग रहा था, बच्चे भी थोड़े थके थके लग रहे थे, क्योंकि 14 किलोमीटर चक चढ़ाई जो कम नहीं होती है, जहाँ 1 किलोमीटर नहीं चढ़ते। लेकिन माँ की ही कृपा है कि सब लोग जो है चल जा रहे थे, काफ़ी अच्छे से सब लोग चले भी गए थे, काफ़ी अच्छे से सब लोग आ भी गए थे। बस हमारी चढ़ाई लगभग हो गई थी, हम लोग सुबह मतलब 8 बजे निकले थे, चढ़ाई शुरू किए थे और वहाँ पर हम लोग जो है 4 बजे के लगभग पहुँचे थे। तो बस ये बीच बीच में जो है बच्चे जो है क्लिप बना ले रहे थे, मैं भी बना रही थी छोट, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी लोग, मतलब ये है सड़क चौड़ी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। आराम से खा रहे हैं, होटल वापस आ गए थे। पूरे 24 घंटे हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि ट्रेन आ जाएगी तो इतना देर लेट कर बनता, 10 मिनट वो इंतजार करता है। कोई भी भोजन हम लोगों ने नहीं किया था, खाली पेट ही माता रानी के दर्शन पानी पीते हुए नाश्ता करते हुए गए थे। तो होटल आने के बाद 11 बज गया था, बच्चों को भूख लगी थी, फिर खाना आया, सब
लोगों ने खाया, इंजॉय किया और माता रानी का दर्शन काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।